वेलकम फ्रेंड्स, मैं नमन कुमार मिश्रा आपका मेडिको डायनेमिक्स के इस सेशन के अंदर फिर से स्वागत करता हूँ। हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एक बेसिक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे जो कि था स्केलेटल सिस्टम। आज हम मेन ह्यूमन स्केलेटल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जनरली ह्यूमन स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ह्यूमन स्केलेटन अपना किस दो पार्ट से बना हुआ है। पहला तो है एक्सियल पार्ट और दूसरा है अपेंडिकुलर पार्ट्स। कुल मिला के एक्सियल और अपेंडिकुलर पार्ट्स जो है वो एक तरह से बोन फॉर्मिंग पार्ट्स हैं और वही बोन बनाते हैं। और इसको अपन ने दो चीज़ों में क्लासीफाई करा जनरली, जो कि एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब आगे बढ़ने से पहले या 206 हड्डियाँ याद करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है। इधर देखिए, इधर मैंने एक चीज़ समझाना चाहूँ। जैसे कि आपको ये पता है कि अपनी जो अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये हमेशा एक एक्सेस के ऊपर घूमती है जो कि अपना ये मेन एक्सेस होता है, ठीक है ना। इस एक्सेस के ऊपर अर्थ क्या करती है, अपनी हमेशा ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। इसी वे के अंदर अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, एक मेन एक्सेस होती है जिसको अपन बोलते हैं एक्सियल पार्ट, और उसके आसपास जो होता है वो होते हैं अपेंडेजेस। उससे अटैच क्या होता है एक्सियल से, वो होते हैं अपेंडेजेस। तो ये जो पार्ट मैंने बनाया था, ये वाला जो पार्ट बनाया मैंने, ये तो था अपना एक्सियल। ये देखिए एक्सिस, ये अपनी बॉडी की एक्सिस है, ठीक है, और ये अपना क्या है, अपेंडिक्स, ठीक है। तो जो एक्सियल पार्ट से अटैच होगा, जो अपना इस एक्सियल पार्ट से अटैच होगा, वो सारी क्या होगा, एक्सियल स्केलेटन। और जो एक्सियल के आसपास अटैच्ड होगी बोन, वो सारी क्या होगी, अपेंडिकुलर होगी। अब इसके आगे चलते हैं कि एक्सियल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आ सकती है और अपेंडिकुलर के अंदर कौन कौन सी आ सकती है। तो देखते हैं कि अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने जनरली आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये बॉडी है। बॉडी के अंदर ये देखिए मैंने बनाई थी, ये एक्सिस है अपनी बॉडी की, ठीक है। अब इस एक्सिस से आप देखिए क्या क्या अटैच हो सकता है, ठीक है। मेनली इस एक्सिस से देखिए, मैंने बता रखा है यहाँ पे एक एक्सिस से, पहले तो ऊपर ही ऊपर क्या अटैच है, अपना स्कल, ठीक है। बोन्स की तरफ अभी मत जाइए, बोन्स की मत गिनिए कि कितनी होती है, अपन सिर्फ अभी नाम देखेंगे कि सबसे पहले एक्सिस के ऊपर कौन अटैच्ड है, पहला स्कल, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो आपके जस्ट गर्दन के नीचे एक आगे आगे हड्डी आती है जिसका नाम क्या है, स्टर्नम, ठीक है। उस स्टर्नम से और भी बोन्स अटैच्ड होती है जो कि है अपनी रिब्स, जो आगे जाके आपका क्या बनाता है, रिब केज बनाता है, ठीक है। इसके अलावा और एक्सेस पे जो अटैच्ड होता है वो होती है आपकी पूरी वर्टिबल कॉलम, मतलब क्या कि जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो भी एक्सेस के ऊपर होती है अपनी बॉडी की, ठीक है। तो किल मिला के कौन कौन सी बोन्स अपनी एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड होती है, जो कि है क्या, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, अपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। ये है अपेंडिकुलर, ठीक है। अपेंडिकुलर के अंदर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपन ने उस दिन बनाया था, ये अपनी मेन एक्सिस, ठीक है। अब एक्सिस के आसपास मतलब कि ये और ये जो होगा, इस पार्ट से जो भी अटैच होगा वो क्या होगा, सारा अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होगा अपना, अपेंडिकुलर बोन्स होंगी, ठीक है। तो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि भाई अपेंडिकुलर के अंदर क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये तो अपना क्या है, आपकी गर्दन हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका स्कल आया था। अब स्कल के साइड में दो बोन्स निकलते हैं जिसको आप कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के क्या होती है, वो अपनी गर्डल के अंदर आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। दो तरह की गर्डल होती है बॉडी के अंदर, एक तो कौन सी होती है, पेक्टोरल गर्डल, और एक क्या होती है, पेल्विक गर्डल, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है कि जैसे पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल के अंदर भी बोन्स आती हैं, जैसे कि ये है स्कैपुला है, ये आपकी क्लेविकल है, ये अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अपेंडिकुलर के बारे में अगर बात करें तो मतलब अपेंडेजेस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि अपने हाथ या पैर, कि भाई साइड में क्या अटैच्ड है अपनी बॉडी के, या तो अपना हाथ अटैच है या फिर अपने पैर अटैच है, ठीक है ना। तो जो अगर अपना ऊपर का लिम्ब पार्ट है उसको क्या कहते हैं अपन, फोर लिम्ब, और नीचे का लिम्ब जो होगा उसको क्या कहते हैं, हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो फोर लिम्ब मतलब ये समझ लीजिए कि आप क्या, हाथ वाला पार्ट है, ठीक है, और हाइंड लिम्ब मतलब आपका लेग वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अपेंडिकुलर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अपन कम्प्लीटली एक वो देखते हैं कि भाई कितना होता है, कि कितनी बोन्स है और कैसे कैसे अपन गिनते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन की बात करूँ तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कितनी बोन्स मिलेंगी, 80। और अपेंडिकुलर के अंदर आप जाएंगे तो अपेंडिकुलर के अंदर आपको कितनी बोन्स मिलेंगी, 126। अगर आप इन दोनों को टोटल करते हैं तो आपको कुल मिला के कितनी बोन्स मिल जाएंगी, 206 बोन्स आपको कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना।
अब अपन एक्सियल के अंदर बात करते हैं। एक्सियल मतलब मैंने अभी भी आपको समझाया था, मतलब कि जो बॉडी की आपकी इस एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, इस एक्सिस पे, तो ठीक है। तो बॉडी की आपकी जो इस वाली एक्सिस के ऊपर मिलता है, ठीक है, वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो देखिए अपन ने गिना स्कल, ठीक है, ये स्कल रहा। स्कल के अंदर कितनी बोन्स हो गई, 22 या 29। अब इस 22 और 29 का किस्सा मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्यों 22 बोला और क्यों 29 बोला अपन ने, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा सामने सामने, आपको इस पे मैं इस पे बताता हूँ कि आपको इसके अलावा क्या मिलेगा यहाँ पे, ये सामने सामने स्टर्नम, ठीक है। स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, ठीक है, वो नंबर में 1 होते हैं। उसके अलावा क्या मिलता है आपको, ये साइड में ऐसे रिब्स मिलेंगी। एक ही एक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं अभी अपन, तो इसी एक्सेस के ऊपर चल रहा है, देख लीजिए सारा। उसके अलावा रिब्स के अलावा क्या मिलेगा, ये वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो वापस गिन लेते हैं अपन, एक्सियल स्केलेटल जिसके अंदर कितनी बोन्स है, टोटल 80 बोन्स है, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, स्कल आती है, स्टर्नम आती है, रिब्स आती है और वर्टिबल कॉलम आती है। रिब्स नंबर में 24 होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है। 12 एक साइड होती है, 12 दूसरी साइड होती है, वो भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स के अंदर आपको कितनी मिलती है पूरी, टोटल 126। अब 126 को गिनने का तरीका कैसे होगा, ठीक है। तो 126 के अंदर फोर लिम और हाइंड लिम और गर्डल्स, ठीक है। फोर लिम तो हो गया आपका हाथ वाला पार्ट, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ कि ये तो आपका एक्सियल और ये आपका अपेंडिकुलर साइड वाला, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ये हाथ वाला पार्ट है, ये वाला हाथ वाला पार्ट है, ठीक है, इसको तो अपन आप क्या बोलोगे अभी, फोल्डिम, ठीक है। इसके अलावा जो ये पैर वाला पार्ट होगा नीचे का, इसको आप क्या कहोगे, हाइंड लिम, ठीक है। अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, कि ये आपका एक्सियल पार्ट हुआ, ये आपका अपेंडिकुलर मतलब साइड का अपेंडिजिस। अब अपेंडिजिस के अंदर अगर आप जोड़ना चाहें, ठीक है, तो अपेंडिजिस में अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो फोर लिम मतलब कि हाथ वाला पार्ट, ये रहे आपके हाथ, फोर लिम बना दिए। एक बना दिया अपन ने हाइंड लिम मतलब ये पैर वाला पार्ट, ये हाइंड लिम मिल गया अपन को। इसके अलावा क्या मिलेगा, ये भाई इस एक्सिस से और भी तो चीज़ें अटैच होगी, तो यहाँ पे आ जाती है गर्डल। तो ऊपर वाली गर्डल होती है पेक्टोरल, ये वाली जो गर्डल होती है जिससे अटैच होती है पेक्टोरल, और ये जो नीचे का पार्ट होता है इससे अटैच होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, पेल्विक गर्डल। ये वाला गर्डल होता है अपना पेल्विक गर्डल। अपन आगे इसको पूरे एक स्केलेटल के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन रिव्यू करते हैं कि 126 बोन्स होते हैं, जिसमें से फोर लिम और हाइंड लिम के अंदर कितनी कितनी होती है, 60 और 60, मतलब कि 120 तो यहीं हो गई। अब बची कितनी आपकी, 6 बोन्स, ठीक है, बची कितनी, 6 बोन्स। वो कहाँ पे होती हैं, वो आपकी किस पार्ट में मिलती हैं, गर्डल पार्ट में। गर्डल के अंदर भी पेक्टोरल में 4 और पेल्विक के अंदर 2, ठीक है ना। अब अगर आगे जाके अपन इसको देखेंगे पेक्टोरल और पेल्विक के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। अब ये हमारे आगे के लेक्चर के अंदर हेल्प करने आए हैं बंटी, ठीक है। अब हम बंटी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम देखते हैं कि भाई ये बंटी रहा तो एक्सियल कौन सा है और अपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है। तो अच्छा से दिखाता हूँ कि आपका ये पूरा बंटी है, तो बंटी की मेन एक्सिस कौन सी हो गई, ये एक्सियल, ये एक्सियल स्केलेटन होगा। अब इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से बोन्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर अब आप देख लीजिए, सबसे पहले ये मिल गया आपको, ये मिल गया स्कल, ठीक है। इसके बाद में ये आपको स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद में ये आ गई आपकी रिब्स स्टर्नम से ऐड, ठीक है, और ये वर्टिबल कॉलम भी इसी के अंदर एडेड होता है। तो कुल मिला के अपन को सब मिल गया, स्कल अपन को मिल गया, स्टर्नम अपन को मिल गया, रिब्स अपन को मिल गया, वर्टिबल कॉलम, कुल मिला के ये तो अपना जो था एक्सियल स्केलेटल था, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं अगर अपेंडिकुलर की, ठीक है, तो ये बंटी है, ठीक है। अब बंटी के अंदर अपन बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये तो भले मान लीजिए कि ये तो एक्सिस थी, तो अब इसके साइड में अपेंडिजिस मतलब कि साइड वाला पोर्शन, मतलब जो भी उससे जुड़ा हुआ होगा, तो मतलब ये और ये, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को कौन कौन सी बोन्स मिलेंगी वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले मिलने वाला क्या है, ये फोर लिम, ये मिल गया आपको फोर लिम, ऊपर वाले,
ठीक है, मतलब कि हाथ। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, हाइंड लिम मिलेगा। ठीक है, तो ये हाइंड लिम मैं दिखाता हूँ आपको, ये उससे अटैच्ड क्या होता है, ये रे हाइंड लिम्स, मतलब आपके पैर वाला पार्ट। कुल मिला के क्या है, ये एक्सिस के अपेंडिकुलर के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन जो है गर्डल्स। ठीक है, तो गर्डल्स के अंदर क्या होता है, वापस एक बार बना लेते हैं, ये एक्सियल और ये अपेंडिक्यूलर। तो एक्सियल के अंदर आपने अगर देखा तो एक्सियल के अंदर तो गर्डल क्या हो गई, ये रही वो गर्डल, क्लेविकल और स्कैपुला पीछे मिलेगा ये आपको, ठीक है ना। और एक ये मेन पेल्विस गर्डल, जिससे आपका ये हाइंड लिम अटैच है। हमेशा याद रखना कि पेल्विस गर्डल से हाइंड लिम अटैच रहेगा, और ऊपर जो पेक्टोरल गर्डल है उससे आपका ये फोर लिम अटैच रहेगा, ठीक है ना। अब अपन एक के बारे में आगे बात करेंगे, कौन कौन से होती है, उसके बाद वापस बंटी को लेके आएंगे, बंटी हेल्प करेगा अपनी आगे एक एक बोन को समझाने के लिए, ठीक है।